नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जीएनटी के हंदवाड़ा में तीसरे दिन भी जारी है एनकाउंटर, एक और सीआरपीएफ जवान शहीद। जेएन के पुंछ और राजौरी जिले में एक महीने के भीतर बनेंगे 400 और बंकर। विरोधियों पर मोदी का निशाना, कहा विरोध की जिद में आतंक के सरपस्तों को सहारा ना मिले। जमात इस्लामी के 70 ठिकाने सील, 52 करोड़ की संपत्ति दी हुई जब्त। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों के राशन में जहर मिला सकता है पाकिस्तान। भारत पाक के बीच फिर से चलेगी समझौता एक्सप्रेस, 3 मार्च को दिल्ली से रवाना होगी ट्रेन। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच तीसरे दिन भी एनकाउंटर जारी है। इस एनकाउंटर में सुरक्षा बल के 4 जवान शहीद हो गए हैं और 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। वहीं रविवार को इस मुठभेड़ के दौरान घायल एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई। अब तक 3 सीआरपीएफ जवान और 2 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान सीमा पर जबरदस्त तनाव है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है और सीमावर्ती इलाकों को निशाना बना रहा है। इसके चलते सीमा पर नागरिकों की सुरक्षा के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पुंछ और राजौरी जिले के 400 अतिरिक्त व्यक्तिगत बंकरों को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ लोगों द्वारा अपने ही देश का विरोध करने और राष्ट्र के समक्ष चुनौती बताते हुए कहा कि मोदी विरोध की जिद में देश का हित का विरोध मत करिए। उन्होंने ये भी कहा कि ध्यान रखिए कि मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को आतंक के सरपस्तों का सहारा ना मिल पाए। मोदी ने कहा कि देश में आज एक और चुनौती है कि कुछ लोगों द्वारा अपने ही देश का विरोध किया जा रहा है। आज जब पूरा देश सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है तो कुछ लोग सेना पर ही संदेह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता कि आपको सेना के काम पर संदेह है तो विरोध करना है तो जरूर कीजिए। हमारी योजनाओं में कमियां निकालनी है तो आपका हमेशा स्वागत है, लेकिन देश की सुरक्षा हितों का, देश के हित का विरोध मत करिए। मोदी ने कहा कि आप ये ध्यान रखिए कि मोदी विरोध की इसी जिद में मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को आतंक के सरपस्तों का सहारा मिल ना पाए। आतंकवाद के मसले पर मोदी सरकार का सख्त रुख, पाकिस्तान के खिलाफ तो दुनिया देख रही है लेकिन देश के भीतर नफरत की आग लगाने वाले अलगाववादियों के खिलाफ भी ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठन जमात इस्लामी पर बैन के बाद उसके ठिकाने को लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन हुर्रियत के हुनर देखने वाली पीडीपी को बुरा लग रहा है, लिहाजा वो लाल चौक पर जमात इस्लामी पर कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन कर रही है और साथ ही 70 ठिकाने सील कर 52 करोड़ की संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने इस जंग को और तेज कर दिया है। भारत पाकिस्तान के रिश्तों में भी तनाव बढ़ गया है। ऐसे में पाकिस्तान ने नए नए पैंतरे अपनाना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान आर्मी IASI एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के भारतीय सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों के राशन स्टॉक में जहर मिलवाने का प्लान किया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली समझौता एक्सप्रेस एक बार फिर से शुरू होगी। पिछले दिनों दोनों देश के बीच बढ़ते तनाव के चलते इस ट्रेन को दोनों तरफ से रद्द कर दिया गया था। अब रविवार को ये ट्रेन पुरानी दिल्ली स्टेशन से फिर रवाना होगी। 28 फरवरी को समझौता एक्सप्रेस के रद्द होने की खबर आई थी कि लाहौर रेलवे स्टेशन पर 35 भारतीय फंसे हुए हैं। इन भारतीयों में से ज्यादातर का वीजा खत्म होने वाला था। गौरतलब है कि समझौता एक्सप्रेस सप्ताह में केवल 2 दिन चलाई जाती है। अब ये ट्रेन 3 मार्च को पाकिस्तान से एक बार फिर से भारत के लिए रवाना की जाएगी। पाकिस्तान से रिहा होने के बाद भारत वापस लौटे भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट अभिनंदन ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि उसे पाकिस्तान में काफ़ी उत्पीड़ित किया गया और उसका सारा सामान भी वापस नहीं किया गया, जबकि उसकी घड़ी, चश्मा व मोजे तो लौटाए गए लेकिन उसकी पिस्तौल, मैप व सर्वाइवल किट नहीं लौटाई गई और ये चीज़ें अभी भी पाकिस्तान के पास ही हैं।
सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत और उत्तरी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह ने कल LOC व IB की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोर जोन से बलों की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करने के लिए व्हाइट नाइट कोर का दौरा किया, जिसके दौरान विपिन रावत ने वर्तमान स्थिति का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सभी सैनिक राष्ट्र विरोधी तत्वों व आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सतर्क रहे। इसी दौरान व्हाइट नाइट कोर के GOC लेफ्टिनेंट कर्नल परमजीत सिंह COAS विपिन रावत को मौजूदा स्थिति और उससे निपटने के लिए की गई तैयारियों के बारे में जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में पिछले दो दिनों से चल रही मौसम की खराबी की वजह से राज्य के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे ठंड बढ़ने के साथ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पस्सियां गिर गई हैं, जिससे राजमार्ग बंद हो गया है और हजारों की तादाद में वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंस गए हैं, जबकि प्रशासन की तरफ से राजमार्ग पर बर्फ हटाने का रास्ता साफ करने का काम चल रहा है ताकि जितनी जल्दी हो सके राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला जा सके। खूंखार आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर के गुर्दे खराब होने के समाचार हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि उनका पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक सैन्य अस्पताल में नियमित डायलिसिस किया जा रहा है। ये समाचार इस तरफ इशारा करते हैं कि अजहर के गुर्दे ने काम करना बंद कर दिया है और उनका पाकिस्तान में जोरों से इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के अलगाववादियों पर प्रतिबंध लगाए जाने पर दिए बयान में अलगाववादी संगठनों की RSS से तुलना करने के बयान की कड़ी निंदा की है और कहा कि वे एक देशभक्त संगठन की तुलना देश को तोड़ने वाले संगठनों से इसलिए कर रही है क्योंकि उन्हें RSS के बारे में सही जानकारी नहीं है, बिना जाने ही गलत बयान दे रही है जो कि सरासर गलत है। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि एक अलगाववादी संगठन की तुलना एक राष्ट्रवादी संगठन से करना, पहले तो ये कोई बात बनती नहीं। और जो लोग ये कहते हैं कि जमात की तर्ज पर RSS पर भी बंदिश लगाई जाए, प्रतिबंध लगाया जाए, वो शायद ये समझते ही नहीं कि RSS क्या है, क्योंकि इनकी परवरिश, इनका राजनीतिक शिक्षण प्रशिक्षण एक ऐसे वातावरण में हुआ है जहाँ किसी और तरह की ही बातें की जाती हैं और जहां अलगाववाद को एक एक आदर्श के तौर पर देखा जाता है, जहां भारत को तोड़ने की बात होती है। ये कभी कल्पना कर ही नहीं सकते कि राष्ट्र सेवी संघ एक ऐसा संगठन है जिसके पीछे लगभग 100 वर्ष का इतिहास है, त्याग का, बलिदान का, मात्र और मात्र भारत की प्रभुसत्ता और राष्ट्रवाद को बनाए रखने के लिए। शायद इन बात इनको इस बात का भी इल्म नहीं होगा कि नानाजी देशमुख जो उस समय राष्ट्र RSS के प्रधान थे और जिनको इस साल भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया मरणोपरांत, इमरजेंसी के दौरान जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर लाठी चार्ज हुआ तो वो बीच में आ गए और उन्होंने लोकनायक के ऊपर लाठी नहीं बरसने दी, अपनी उस वृद्ध अवस्था में भी उन्होंने लाठियां झेल ली। जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों, क्योंकि JP नारायण का ताल्लुक RSS के साथ नहीं था, ना ही जनसंघ के साथ था, तो नाना जी ने कहा कि इसलिए कि इस समय इस व्यक्ति की देश को आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बड़ा अभियान उन्होंने प्रारंभ किया था उस समय JP ने इंदिरा जी की इमरजेंसी के खिलाफ। वो RSS है जिसके नेता, जिसके स्वयंसेवक देश के हित को अपने और अपने संगठन के हित से भी सर्वोपरि मानते हैं। अब ये बात भला इन लोगों की समझ में कहाँ आएगी? मुझे लगता है कि इससे अधिक पाप नहीं हो सकता देश की सेना के प्रति। देश ऋणी है सेना के प्रति और अब तो पाकिस्तान में चलने वाले वो प्रशिक्षण कैंप के लोग और मौलवी अजहर के साथी स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें क्षति पहुंची है, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ तथाकथित मुख्य धारा के राजनीतिक ये स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि उनको भी लगता है कि राजनीतिक क्षति पहुंचने वाली है। परगवाल में आज लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के अलगाववादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध में दिए गए बयान को लेकर प्रदर्शन किया और उनकी प्रति अपना रोष जताया और कहा कि उनका एक देश को जोड़ने वाले संगठन की देश को तोड़ने वाले संगठनों से तुलना करना सरासर गलत है, जिसकी वे कड़ी निंदा करते हैं। इसी संबंध में वहाँ के लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी। आज अपना परगवाल बाजार बिल्कुल बंद रखा है और आखिर पाकिस्तान के खिलाफ उग्रवादियों के खिलाफ पुरजोर प्रदर्शन किया है और उन्हें भी वीर जवानों की श्रद्धांजलि दी है जिन्हें अपनी कुर्बानी दी है, साढ़े देश का मान बढ़ाया। अस चाहने अपनी गौरमेंट अगर, सेंट्रल गौरमेंट अगर
आग्रह करने कि कोई ऐसा कदम चुकया जा, कोई ऐसा कड़ा फैसला लिया जा जो पाकिस्तान की पता लगे कि हिंदुस्तान इन्ना कमजोर नहीं है। पाकिस्तान एक गंदा मुल्क है, वह प्रॉक्सी वार खेला है, वह गुत्थम गुत्थे लड़ाई खेला आमने सामने लड़ाई और नहीं लड़ी सकता है। मैं अब साढ़े देश के माननीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और भी जम्मू कश्मीर का दौरे पर आवा हैं, मैं मीडिया के माध्यम कन्या उनके तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करूँ कि पाकिस्तान की यह मूँह तोड़ जवाब दिता जा। उसी पता लगी कि हिंदुस्तान कमजोर देश नहीं है, हिंदुस्तान बिचा निकलिया पाकिस्तान अज अही अखा दसा दा ये गल बड़ी गलत है। और जोड़ा किश उग्रवादियों किया वो अपने देश आफिस शहीद की पाल ली है उत्थै बिठाई उसी रखे दा और वो इस हमले की निंदा करा दा। किन्ना गंदा मुल्क हो सकता पाकिस्तान, आखदा आफिस शहीद करना सारा कोई मतलब नहीं है, आफिस शहीद उत्थै इलेक्शन लड़ता है, वो इलेक्शन लड़ता कि मैं पाकिस्तान की सत्ता हथियाई है और मैं गंदे काम करा, ये काम नहीं होने। मैं दोबारा मीडिया के माध्यम कन्नै अपने माननीय मोदी और राजनाथ हुंदे अगे आवाज़ पजाने की कोशिश करूँ कि पाकिस्तान की यह जवाब दिता जा कि सत्त पुश्तां ओदा देश उपरा नामो निशान मिटाई जा पूरे वर्ल्ड उपरा कि पाकिस्तान कोई देश है भी आ। बीजेपी के पूर्व सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के देशव्यापी कार्यक्रम के तहत बीजेपी ईस्ट की तरफ से जम्मू में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री प्रिया सेठी, बीजेपी के प्रदेश महासचिव युद्धवीर सेठी, पूर्व विधायक राजेश गुप्ता व पार्टी के जिला जम्मू प्रधान बलदेव सिंह बिलोरिया शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिकों व वीर नारियों को सम्मानित किया गया और उनकी शहादत को याद किया गया। द्वारा नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सोच है कि जो हमारे परिवार हैं भाजपा आज जो सैनिक परिवार है उनका सम्मान करेगा, पूरे देश भर के अंदर हम सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं। और आज ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का जो कार्यक्रम था यहाँ पे हमारे जो फौजी भाई जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते थे उन लोगों को जो रिटायर्ड है आज हम लोगों ने उनका यहाँ सम्मान किया। और आज उस घड़ी में हमने सम्मान किया जब पूरे देश का जांबाज योद्धा पूरे देश का नाम ऊंचा कर रहा है और जिस प्रकार हमने पाकिस्तान में अंदर घुसकर बदला लिया, ये ऐसा समय है जब पूरे देश के अंदर हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर महिला के अंदर, हर युवा के अंदर एक नया खून का संचार हो चुका है। और सब जानते हैं कि हमारा देश नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। उस समय में हम लोग आइए यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं जिसका एक मैसेज आता है कि ये वीर जवान जो 44 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी तपते हैं और 44 डिग्री माइनस टेम्परेचर के अंदर भी किस प्रकार से इस देश की सुरक्षा करते हैं, और ये लोग जागते हैं और हम आराम से अपने घर पे सोते हैं। इसके लिए आज हम लोग सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए। मैं फिर एक बार सारे ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। ब्राह्मण सभा की तरफ से पुलवामा के शहीदों की याद में सभा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभा के पदाधिकारी व बीजेपी के नेता चंद्रमोहन शर्मा ने सभा के सदस्यों के साथ पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनकी शहादत को याद किया। और हमने आज जो सैनिक शहीद हुए हमारे पुलवामा में और अन्य स्थान पर उनके प्रति श्रद्धांजलि की है, एक हवन किया है उनकी आत्मा की शांति के लिए। और साथ ही हमने दुर्गा माता से प्रार्थना की है कि हमारा धन्यवाद किया है कि हमें हमारे देश को मोदी जी के रूप में इतना कुशल नेतृत्व मिला है, इतने बहादुर सैनिक मिले हैं। और हमने ये प्रार्थना की है कि हमें भगवान वरदान दे हमारी सेना को कि हम एक बार में ही इस सारे मिलिटेंसी को और समाप्त करके पाकिस्तान को भी सबक दिखाएं ताकि वो हमारे देश को शांति से रह चुके रहने दे और देश आगे तरक्की करे। तो हमने ये प्रार्थना की है, श्रद्धांजलि दी है और भगवान से वरदान मांगा है देश की एकता अखंडता के लिए और विजय के लिए। एडिटर एसोसिएशन की तरफ से पूर्व सैनिकों व वीर नारियों को सम्मानित करने के लिए बेबी कैटर में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पहले देशभक्ति के गाने प्रस्तुत किए गए और बाद में पूर्व सैनिकों व वीर नारियों को सम्मानित किया गया और पूर्व सैनिकों के देश के लिए दिए गए बलिदान को याद किया गया। वीर नारियां और वीर माताएं आई हुई हैं, ये वो हैं जिनके परिवार में से किसी सदस्य ने इस देश की नींवों को मजबूत किया, उसमें अपना खून दिया। तो एज ए ट्रेडिशन, एज ए ट्रिब्यूट, हमारी जो भारतीय सेना है उनके जो ट्रेडिशंस हैं उसको नज़र में रखते हुए इनका रैंक कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता है इनकी शहादत, और हम उसको सलाम करते हैं, इज्जत करते हैं।
इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, वीर माताएं और वीर नारियां बैठी रहेगी, बाकी आप सब प्लीज खड़े हो जाएं और तालियां बजा के और इनके प्रति सम्मान व्यक्त करें। आप अपनी चिता क्या कश्मीरी पंडितों की शिवरात्रि हररात्रि हैरस चंद भैरव को लेकर जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कश्मीरी पंडित संगठन द्वारा शिवरात्रि मनाने के बारे में जानकारी दी गई। कश्मीरी पंडित किस तरह शिवरात्रि को मनाते हैं और उनमें शिवरात्रि का महत्व क्या होता है। बीसी रोड स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम द्वारा आश्रम में शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भगवान शिव का झंडा फहराया गया और बाद में शिवरात्रि से संबंधित कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने के साथ साथ शिवरात्रि के महत्व पर विचार किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राकेश शर्मा इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। संकल्प करते हैं, अपने ही तन मन धन पवित्रता के आधार पर। ये कार्यक्रम हम ब्रह्मा कुमारी की तरफ से ये गांव-गांव शहर-शहर तक ये कार्यक्रम चलते हैं, क्योंकि हम सभी आत्माओं का पिता शिव ही निराकार है और सभी आत्माएं सबका मालिक एक है। कि वटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। अलग अलग है रंग फूल के, माटी सबकी एक है, माला कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है। तो परमात्मा पिता के हम सभी आत्माएं बच्चे हैं, उनकी याद में ये कार्यक्रम रखे जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी चाहते हैं कि ये विश्व पवित्र बने, तन से पवित्र, मन से पवित्र, धन से पवित्र, जन से पवित्र। वही जो हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जब कोई धर्म नहीं था, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत थी, उसे पुनः फिर से स्थापन करना है। 140 देशों तक हम पहुंच चुके हैं, 180 देशों तक हम ड्रग्स डी एडिक्शन पर काम कर रहे हैं और विश्व के अंदर जो 200 से ऊपर देश हैं सभी के पास जा करके हमने यही कार्य करना है और इस विश्व को वही फिर से वापस लाना है जो पहले था। प्रदेश बीजेपी की तरफ से जम्मू में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पीडीपी के युवा नेता नीतीश महाजन बीजेपी में शामिल हुए, जिनका पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता, एमएलसी विक्रम रंधावा व बीजेपी के जम्मू जिला प्रधान बलदेव सिंह बिलोरिया ने पार्टी में आने का स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें साधारण व्यक्ति किसी भी पद पर पहुंच सकता है। मेरे जैसा साधारण व्यक्ति पहले शहर का मेयर बना, इस राज्य का स्पीकर बना और उप मुख्यमंत्री बना, यहाँ का साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का वो केंद्र में प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। इस संसार का बेटा राजनाथ सिंह जी की तरह इस देश का गृहमंत्री बन सकता है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में काम करने वालों का बहुत स्कोप है। सर मेरा नाम नीतीश महाजन है, मैं पूर्व सदस्य नॉर्दर्न रोल एडवाइजरी बोर्ड का, रेलवे का और पीडीपी में जोन प्रेसिडेंट था गांधीनगर असेंबली सेगमेंट का। आज से ठीक 6 महीने पहले मैंने जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से रिज़ाइन किया था और मैंने उस टाइम भी कहा था कि सिर्फ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होने की वजह से, क्योंकि मुफ्ती साहब की डेथ के बाद कई ऐसी चीज़ें थी जो बदल गई थी और उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने पीडीपी छोड़ी थी। और आज मैं गर्व से कहता हूँ कि आज हम उस दिशा में जा रहे हैं, पूरे देशवासी आपने देखा है कि आज हमें गर्व है कि देश का नेतृत्व वो आदमी कर रहा है जिसने हिंदुस्तान का लोहा पूरे विश्व में लगाया। और ख़ास तौर पे हाल ही में जो हादसाएँ हुए हैं और उसमें आप देखिए कि हिंदुस्तान की पीठ उस शख्स ने लगने नहीं दी, और एक नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि वो कारण वो काम ज़रूर करें जो देश हित में हो, देश को आगे ले जाने के लिए हो। और इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखिए मेरा एक ही कहना है कि आज बीजेपी की पूरी स्टेट कमेटी यहाँ आई है, स्टेट बॉडी आई है, मेरा इनसे भी यही कहना है कि हमें वो चीज़ें आगे लेके जानी है जिसमें हमेशा देश का भला हो और देश हित आगे।
टीम अनरफ्लू की तरफ से केएल सैगल हॉल में निक्की पखरूची उड़ान नाम से कल एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से कॉमेडी कल्चर को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। कल्चर एकेडमी के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर अरविंदर सिंह अमन इस मौके पर विशेषकर उपस्थित थे। ये अनरफल नाउ टीम हम चार लड़कियों ने शुरू की थी, बिकॉज एज वी ऑल नो कि जम्मू में प्लेटफॉर्म्स बहुत कम हैं यंग टैलेंट को एम्ब्रेस अप्रिशिएट करने के लिए। मैं खुद भी एक राइटर हूँ, आई नेवर फाइंड कि कुछ हो जिसके लिए कोई कुछ कर रहा हो टैलेंट के लिए। तो वी स्टार्टेड, वी आर फोर गर्ल्स, माय नेम इज़ मेहुल, ऋषिका, शाली एंड शिवांगी। वी स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन से ओपन माई कल्चर ग्रो करने के लिए इन जम्मू। वी प्रमोट सिंगिंग, स्टैंड अप कॉमेडी, स्टोरी टेलिंग एंड पोइट्री। लेबर कमिश्नर जम्मू की तरफ से नगरोटा पंचायत में कश्मीरी समुदाय के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें असिस्टेंट लेबर कमिश्नर किशोरी शर्मा ने कश्मीरी पंडितों को उनके लिए केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। योजना के बारे में बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये जो स्कीम है ये अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए है, जिसमें 18 से लेकर 40 साल तक की उम्र के लोग जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और ये पेंशन स्कीम है, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम, जो 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये पर महीने मिलेंगे। इस स्कीम में कौन कौन से लोग आते हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, डेयरी वाले हैं, बड़ी वाले हैं, दुकानों पे काम करने वाले, घरों में काम करने वाले, टेलर्स, आशा वर्कर्स, मिडवे वर्कर्स, इस तरह के सारे लोग, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, वो सब अपने आप को इस स्कीम में एनरोल कर सकते हैं। जो लोग प्रोविडेंट फंड देते हैं या ESI में है वो इस स्कीम में नहीं आते हैं, और ना ही वो लोग जो 15,000 के ऊपर जिनकी महीने की आमदनी है। तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगी कि वह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का पूरा पूरा लाभ उठाएं। चलते चलते आइए फिर से नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जीएनटी के हंदवाड़ा में तीसरे दिन भी जारी है एनकाउंटर, एक और सीआरपीएफ जवान शहीद। जीएनटी के पुंछ और राजौरी जिले में एक महीने के भीतर बनेंगे 400 और बंकर। विरोधियों पर मोदी का निशाना, कहा विरोध की जिद में आतंक के सरपस्तों को सहारा ना मिले। जमात इस्लामी के 70 ठिकाने सील, 52 करोड़ की संपत्ति भी हुई जब्त। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों के राशन में जहर मिला सकता है पाकिस्तान। भारत पाक के बीच फिर से चलेगी समझौता एक्सप्रेस, 3 मार्च को दिल्ली से रवाना होगी ट्रेन। 7 प्लस हेडलाइंस के आज के अंक में बस इतना ही। मैं थी मिताली सहगल, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए 7 प्लस चैनल। नमस्कार।